बीते दिन अनोखे अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी के जन्म दिहाड़े को समर्पित फ्री होम्योपैथिक चैकअप कैंप गुरुद्वारा श्री अकालगढ़ साहिब शहीद बाबा दीप सिंह खंडा चौंक नाभा विखे सवेरे 9 बजे तो दोपहर बाद 3 बजे तक लगाया गया। शहीद बाबा दीप सिंह वैलफेयर सेवा सोसायटी नाभा वालों प्रीति होम्योपैथिक क्लीनिक समुचिया संगतों के अथाह सहयोग के नाल यह उपराला कराया गया। इसका उद्घाटन सरदार हरी सिंह MD रीत ग्रुप नाभा वालों किया गया। कैंप के लुधियाने तो 15 माहिर डॉक्टर की विशेष टीम पहुंची और इस कैंप के मुफ्त दवाइया दी गई। आवाजी कम टीवी लिए नाभा तो पत्रकार तरुण मेहता की रिपोर्ट। कैंप लगाया जा रहा की कहना ये बारे? अज का कैंप अनोखे अमर शहीद बाबा दीप सिंह के जन्म दिहाड़े को समर्पित है जी। शहीद बाबा दीप सिंह वैलफेयर सेवा सोसायटी नाभा वालों ये सारा कार्य संगत के अथाह सहयोग से गुरु साहब की कृपा नाल हो रहा। पहली बार लगाया जा रहा है, इस तो पहला भी तुसी कैंप संस्था बहुत लगवा चुकी है, पर होम्योपैथी का कैंप है जिहड़ा वो पहली बार लगाया जा रहा है लुधियाने तो। विशेष तौर पर 20 डॉक्टर की टीम है जी आई हुई है थोड़े सामने है। लगातार बड़ी गिनती पेशेंट ने जोड़े आए हुए हैं और बकायदा संस्था वालों 15 दिन पहला इन पेशेंटा की रजिस्ट्रेशन की गई है। 3 महीने बाद कैंप दोबारा लगाया जाएगा और जिन्हें भी मरीजों की अब रजिस्ट्रेशन होगी उन्होंने मेडिसन तो डॉक्टर साहब कोई फीस नहीं लेंगे। किड़िया बीमारियों का चैकअप है? सारिया आल फोर बीमारियों के डॉक्टर साढ़े को माहर बैठे ने जी, सारिया बीमारियों का इलाज है जोड़ा हो रहा। तो किन्ने का पेशेंट जो चैक कर अपना टीचा? 100 पेशेंट तो असी री रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं जी, 100 की इन्हों कोई भयानक बीमारी है उस तो बिना जो आम जनरल पेशेंट आ रहा उन्होंने नाल दी नाल डॉक्टर साहब चैकअप करके मेडिसिन दे रहे हैं। मेन गल ये है होम्योपैथिक के कैंप च घट्टो घट्ट 15-20 मिनट एक पेशेंट की हिस्ट्री लैन वास्ते लगते हैं, फिर डॉक्टर साहब उन्होंने मेडिसिन है जी देंगे। सारे मरीज अज चैकअप हो जाए? हाँ जी, जिन्हें भी रजिस्ट्रेशन होगी उन्होंने अज चैकअप करके मेडिसिन दी जाऊगी, अदरवाइज नैक्सट टाइम बुलाया जाऊगा। देखो कैंप पहले तो तुसी देखे ही है भी होम्योपैथी का कैंप हैगा जी, ये असी एक लिमिट रखी है मरीज की भी असी इन्नी मरीज देखिए। वो कारण यह हैगा कि जो आप होम्योपैथी इलाज करते हैं तो असी संपूर्ण शरीर का इलाज कर रहे ना कि जो कोई पेशेंट साढ़े को आया भी मेरी लत खराब है जी इनू ठीक करो। अज असी लत ठीक करते इनू एक एग्जाम्पल के तौर पर लो, किसी ब्लड प्रैशर हैगा, ब्लड प्रैशर की दवाई वो चल रही, दवाई चलते चलते वो गुर्दे खराब होने शुरू हो गए। इनू आप कहोंगे बीमार तो बीमारी है, बीमार तो बीमारी है। पहले उन्होंने ब्लड प्रैशर से रेनल फेलियर होने लग गया। जदों भी बीमारी ठीक होनी है, जो बीमारी ठीक होनी है संपूर्ण तौर पर तंदुरुस्ती आनी चाहिए, यहोजी बीमारी नहीं आनी चाहिए जो जीवन होर औखा कर दे। अज आप कहने शुगर है, शुगर हटी मैं थायरॉयड हो गया, थायरॉयड हटिया तो मेरिया नाड़ा खराब होने लग गया, मैंने न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होने लग गई, कुछ इदा का होने लग गया, बीमार होर वर्स हो गया। ये इलाज है, आप इन इलाज नहीं आखा रहे। आप कही कि एक वड्डी बीमारी हट के छोटी आवे, कोई थायरॉयड हटे, उस तो बाद जुकाम खांसी आए और थोड़ी देर बाद वो भी ठीक हो जाए, ये इलाज है। डॉक्टर जिस तरह होम्योपैथी की गल की जाए ज़्यादातर लोग ने इस तो दूर रहते हैं, पर जरा इलाज हूँ पक्का जड़ तो बढ़ जाता है। लोगों ने यह की मैसेज देना चाहते हैं क्योंकि जो लोग ने होम्योपैथी को ज़्यादा रुझान रख जो दूजी साइड इफेक्ट दवाई होंगे वो को ज़्यादा ध्यान रखते हैं। देखो पहली गल यह हैगी लोगों के मन थोड़ा जहा यह है कि होम्योपैथी स्लो असर कर रही है, इदा तो कुछ भी नहीं। पहला आप इस चीज़ को समझिए भी स्लो किवें असर कर रही है जी, ये गल इन समझिए। जे आप बुखार की गल करते हैं जो असी क्लीनिक दे विच केस देखते हैं डेंगू दे केस देखते लगाया जा रहा जन कल्याण दे लई इहदे बारे की कहना चाहुंदे? हाँ जी, सब तो पहला तो मैं दसना चाहवांगा कि जिहड़ा कैंप है शहीद बाबा दीप सिंह जी दे जन्म दिहाड़े नूं समर्पित है। उन्हां दे जन्म दिहाड़े ते इस बार ये संस्था ने सोचा कि होम्योपैथी का कैंप लगाया जाए क्योंकि एलोपैथी दवाइया तो लोग इन्ने कु ज़्यादा तंग हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं कि होम्योपैथी की जिहड़ी दवाई है वह जिथे बीमारी नूं ठीक करती है उत्थे अंदर साढ़े जो सिस्टम है जिदे राही बीमारी पैदा हुंदी है उसनू दूर करन दा वड्डा यतन करती है। इस वास्ते संस्था वल्लों इस बार जिहड़ा होम्योपैथी दा कैंप लगाया जा रहा है और ये दसदे खुशी हुंदी है कि साढ़े कोल इस वेले 100 तो भी वध जिहड़ी रजिस्ट्रेशन है वह हो चुकी है और जिन्हें इस दे विच अज दिखाण आए ने पेशेंट उन्होंने सारे नू दवाई भी फ्री दी जा रही है। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀ ਹੈ,
ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ 'ਤੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ PGI ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੁਕਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ।